हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसएस किचन। मैं हूं शैली। दोस्तों आज हम अपनी किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार तंदूरी चिकन। दिस इज़ द होल चिकन वी विल बी मेकिंग और उसको बनाएंगे एकदम आसान रेसिपी के साथ बट एकदम ढाबा स्टाइल। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाया जाता है क्रिस्पी क्रंची तंदूरी चिकन। सो गाइस, चिकन तंदूरी बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक होल चिकन मेरे पास है। मेरे पास ये स्किन चिकन है, आप चाहे तो विदाउट स्किन चिकन भी ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसको पानी से निकाल लिया है। इसको मैं थोड़ा सा टिश्यू से क्लीन कर लूँगी और जो भी एक्सेस ऑफ वाटर है इसका वो मैं अब्जॉर्ब कर लूँगी टिश्यू के अंदर। नाउ सेकंड स्टेप इज़, मैं लेती हूँ ये एक बाउल। इसमें मैंने लेना है 3/4 कप ऑफ हम्ड कर्ड। इसको मैं ले लेती हूँ एक बाउल में। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 2 चम्मच भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट, या अगर आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट यूज़ करना नहीं चाहते हैं तो आप अलग से जिंजर ग्रेट करके एंड गार्लिक ग्रेट करके 1-1 चम्मच वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1/2 टी स्पून ऑफ ज़ीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टी स्पून ऑफ चाट मसाला। ये अगर आपके पास है तो आप इसको ज़रूर यूज़ करें, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। 2 चम्मच लूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लूँगी धनिया पाउडर। ये है मेरे पास चिकन तंदूरी मसाला। ये 50 ग्राम का पैकेट है, आराम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। इसका मैंने हाफ लिया है, मतलब 25 ग्राम्स ऑफ चिकन तंदूरी मसाला हमें लेना है। और मैं लूँगी 1 चम्मच नमक, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक ले सकते हैं। ये मेरे पास वाइट विनेगर है, इसको मैं लेती हूँ 2 चम्मच। सोया सॉस 1 चम्मच, नींबू का रस, ये पूरा 1 नींबू का रस है, ये मैं इसमें डाल दूँगी और इन मसालों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। लास्ट इंग्रेडिएंट, ये मैं डालूँगी इसमें 2 चम्मच ऑयल। तंदूरी मसाला हमारा एकदम रेडी है। अब हम इसको चिकन पर अच्छे तरीके से कोट कर देंगे। इन चिकन में ना मैंने स्लिट्स लगा लिए हैं, कट्स लगा लिए हैं, ताकि मसाला अच्छे तरीके से अंदर तक चला जाए। और इसकी मैं इस पर बहुत अच्छे तरीके से कोटिंग कर दूंगी। और इस मैरिनेटेड चिकन को मैं ढक करके 7 से 8 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी फॉर द मैरिनेशन, या आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। बहुत बढ़िया सा मैरिनेट हो चुका है ये। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके, अब ये रॉड है मेरे पास, इसको रोटीसरी रॉड बोलते हैं, इसके अंदर मैं इसे इंसर्ट कर दूंगी लाइक दिस एंड इसकी लेग्स को टाई कर दूंगी मैं। इसको अच्छे तरीके से हम टाई कर देंगे। इसी तरह से इसके विंग्स को भी हम टाई कर देंगे। और इस तरह से हमारा चिकन हमने अटैच कर लिया है रोटीसरी रॉड पे। अब हम इसको ओवन को अपने प्री हीट कर लेते हैं 10 मिनट के लिए और उसके बाद इसको हम रोस्ट करते हैं। इसको मैंने 55 मिनट्स के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पर रोस्ट होने के लिए लगा दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे जब ये अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएगा तब। सो गाइस, हमारा तंदूरी चिकन बनकर के एकदम रेडी है, क्रिस्पी मज़ेदार। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरी ये रेसिपी और बताइएगा कैसी लगी आपको तंदूरी चिकन। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।